श्री नर्मदेश्वर नाथ महादेव प्रांगण खजुरिया धमार में 9 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का आज से जलभरी के साथ शुभारंभ किया गया, जिसमें भव्य कलश शोभा यात्रा में सैकड़ों की संख्या में महिलाओं ने भाग लिया। आप लोग हमारे साथ दर्शन करते रहिए और सुनते रहिए, आपको दर्शन करने का भी फल मिलेगा, है ना। आप लोग ऐसा मन भाव रखते हैं कि ये शुक्र में वही हम मन से कर रहे हैं, दर्शन करते रहिए और गौरी मैया का सही जो है ध्यान करिए और उनका आभार करिए। जैसे देवालय में प्रकाश आए और पीठ पर आभार रखिए उनका, लोग आप आइए, क्योंकि भगवान गणेश जो है हमारे आध्यात्मिक की देवी
गीता का पाठ मना जा रहा है, कब तक चलेगा और क्या? ये सबसे पहले आपके न्यूज़ चैनल के सारे दर्शकों को खजुरिया निवासी राहुल नमस्कार। और यहाँ पे 9 अक्टूबर से आज से जो कि स्टार्ट होने जा रहा है श्रीमद् भागवत पुराण, जो कि श्रीमद् अजय कृष्ण शास्त्री जी महाराज के पावन सन्निधि में, जो कि वृंदावन निवासी हैं, यहाँ से 12 बजे से 5 बजे तक होगा। तो सभी श्रद्धालुओं से और अगल बगल के जितने भी ग्रामवासी हैं उनसे सभी ने निवेदन है और सारे दर्शकों से भी कि यहाँ पे आएँ और कथा का लाभ उठाएँ। कहाँ कहाँ से लोग आने की संभावना है यहाँ पर, कितने की संख्या में यहाँ पर जो श्रद्धालु है? श्रद्धालु कम से कम यहाँ पे 3 से 4 हज़ार को आने की संभावना है। और हम लोग और भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि दूसरे भी जितने जगह लोग आए, जितने से ज़्यादा लोग इससे प्रभावित हो और उसका बेनिफिट ले सके तो उतना बेटर है। कब तक चलेंगे ये? 9 अक्टूबर से स्टार्ट होकर 16 अक्टूबर तक भागवत होगा और 17 तारीख को इसका समाप्ति होगा। और क्या कहेंगे हमारे दर्शकों को अपने माध्यम से इस भागवत के? भागवत के माध्यम से हम यही कहना चाहते हैं कि सारे लोग सौहार्द से रहें, कोई भी पूजा होता है या भागवत होते हैं, जितने भी जो कहानियां हैं पुराण हैं, तो उससे लोग सीख लेके और एक सामाजिक भाईचारे के साथ और एक साथ मिलजुल के रहें, शांतिपूर्ण पीसफुल माहौल हो और समाज में शांति रहे और डेवलपमेंट हो, तो ये हमारा मेन उसमें मोटिव है, जो कि जितने से ज़्यादा लोग आएंगे तो वो आज भागवत का पाठ करवा रहे हैं। क्या सोचते हैं, मन में कैसे हुआ कि भागवत का पाठ करवा? भागवत का एक्चुअली ये एट एन इंसिडेंट हुआ। पापा मेरे कहीं पे देख रहे थे इसको, पूजा को, तो उनके मन में ऐसा भाव उठा कि हम लोग अपने गांव में भी कराया जाए, क्योंकि हमारे गांव में ये पहली बार भागवत हो रहा है, इनफैक्ट नहीं दूसरी बार, तो पहली बार हुआ था तो उसमें बहुत लोग बेनिफिट हुए थे, तो इस बार दोबारा इसलिए किया गया कि वहाँ पे उनको वो कथा अच्छा लगा, 12 में कहीं हो रहा था, तो दोबारा इस चीज़ को कराया जा रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा